निरुपम जय सच्चिदानंद। अभी आपने एक भाई को ऐसा बोला कि कोई काम लेने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव रहती है दोनों साइड, तो इससे अंतराय आते। तो मेरा काम स्टॉक ब्रोकिंग का है, वो तो एवरी मिनट कोई चीज़ लेना देना देना ये लेना, उसमें तो बहुत अनिश्चित रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना था मुझे। समझो एक न्यूज़ आया कि यू बाय दिस थिंग, फिर न्यूज़ आता है कि नहीं पार्लियामेंट में बॉम्ब पड़ा है, तो वो भाई करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो ये मतलब आई वॉन्ट टू गेट क्लियर कि इसमें अंतराय कैसे आते। इसमें अंतराय नहीं आते हैं, अगर आप वहाँ कुछ राग द्वेष में आ जाए, इमोशनल हो जाए, अपसेट हो जाए, मुक्त रह के सहज रह के जो भी एविडेंस आते हैं उसके हिसाब से चलते रहो चलते रहो। अपनी ओर से उसमें कोई किसी प्रकार की अंदर से इन्वॉल्वमेंट ना हो, भुगतना ना हो, हाईवे ना हो, कभी लॉस भी चले जाए कभी प्रॉफिट भी हो जाए, दोनों में आप समता में रहो तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब इससे अंतराय नहीं आता है, ये राग द्वेष के कारण ही अंतराय आते हैं। हाँ, राग द्वेष हो जाते हैं, मतलब असर हो जाती है भीतर में, मतलब कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो समझ लेना नहीं वो एसी में बैठते हुए भी पसीना हो जाता है। और इसका थर्मोमीटर क्या होता है कि कोई एविडेंस कुछ भी आया डिसीजन लेने का, तो इसका मतलब थर्मोमीटर क्या है कि यू शुड गो फॉर दिस थिंग और नॉट, वो क्या है? वो तो ऐसा है, आपके संजोग ही आपको डिसीजन लेने लगाएगी। बाहर के एविडेंस, भीतर के एविडेंस, आपकी बुद्धि उस समय क्या बताती है वह सब डिसाइड करती है। खाली अपने तरफ से यू हैव टू बी पॉजिटिव, वही एविडेंस होना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव रहो और कोई डिसीजन में आपको नेगेटिव भी लेना पड़ा लेकिन भीतर से आप पॉजिटिव रहो कि जो जो मैंने नेगेटिव डिसीजन लिया है वो भी करेक्ट है। लेने के बाद आप फिर भीतर में ऊपर नीचे अंदर चलते रहेगा तो क्या फ़ायदा। बराबर। और दूसरा निरुमा, ये ज्ञान लेने के बाद थोड़ा ऐसा फेज आया था कि निश्चय ही पकड़ा, समझो कि आत्मा ही चाहिए आत्मा चाहिए और कुछ नहीं व्यवहार के लिए। मतलब फिर एक ऐसा फेज आया कि बहुत खराब पीरियड गया, तो भीतर से ऐसा कुछ साइन हो गया था कि लक्ष्मी जी नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी के अंतराय मतलब वो कैसे होते, तरछोड़ लग गई होगी ऐसा लगता है। आप तलाश करो, आपने ऐसा आपको ऐसा हुआ था कि मुझे क्या करना है, लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भीतर ऐसा लगता है हो गया होएगा, तो फिर उसके प्रतिक्रमण करो। और मतलब लक्ष्मी जी के अंतराय कैसे एक्चुअली अपन खुद कैसे डालते हैं? ऐसा है, मन वचन और काया से कभी चोरी करने का, किसी का अनहक का ले लेने का विचार भी ना करें तो उसको लक्ष्मी जी का अंतराय नहीं आता है। समझे है ना? सभ्य समाज में ऐसे स्थूल चोरी नहीं करते हैं लेकिन मन से तो कर डालते हैं, यहाँ तक कि चलो इनकम टैक्स की तो कर लो चोरी, वहाँ क्या गुनाह है, इनकम टैक्स की चोरी सरकार की चोरी यानी आकाश में गोली मारने जैसा है, किसको लगेगी। ऐसा सोचते हैं लोग, यह सच्चा नहीं है। ठीक है गोली किसको लगे या ना लगे, लेकिन गोली मारने का हमारा जो भाव है वह भाव ही हमको परेशान करेगा, अंतराय कर्म डालेगा, पाप बांधेगा। जिसको छूटना है जो भी है अपने हिसाब का है अपने कर्म का है वो मिलेगा ही, प्रयत्न करते जाओ। स्थूल में कुछ किया या नहीं किया लेकिन जो भाव रहते उससे ही ज़्यादा अंतराय कर्म डालते हैं।
भाव से ही कर्म बंधा जाता है। क्रिया अलग चीज़ है, लेकिन भाव, भाव में अगर आपका प्योरिटी रही, शुद्ध भाव रहे, तो क्रिया से कर्म नहीं बंधा जाता है। गलत क्रिया हो गई तो भी आप उसमें से छूट सकते हो, प्रतिक्रमण पश्चाताप करके। भाव की तो हुई बात है सब। अभी दूसरा ये है कि खाने की बात करूँ कि दो रोटी खाता हूँ समझो एग्जांपल, तीसरी रोटी में ना तो बोलना ही पड़ता है, तो उससे अंतराय पड़ता है क्योंकि सामने वाले नहीं समझते हैं, तो पेट तो अपना है, तो उसमें अभी वो क्रिया में अंतराय कैसे उसको रिड्यूस करें? यानी आपकी पत्नी आपको 3-4 रोटी खिला देती? नहीं, पत्नी तो नहीं खिलाती, मम्मी बहुत खिलाती है। उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा घी डालोगी तो मतलब अच्छा हो जाएगा, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी। आज ही मुझे कहना पड़ा भी घी कम डाल, क्योंकि वो पचना तो चाहिए ना, एटलीस्ट पचाना मुझे है ना, वो एयर कंडीशन में थोड़ी पचता है। तो फिर प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए, अंतराय तो गिरते हैं लेकिन प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। और दूसरा एक दूसरा एक क्वेश्चन था कि अभी ये ट्रेडिशन चालू हुई कि जैनों में कोई अच्छा प्रसंग रहता है उसके पहले अंतराय कर्म की पूजा करवाते हैं, उसका कोई फायदा है? लगता तो कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है वो जानना था आपसे। ये क्रिया है और दूसरी तरह रियल जो कॉज है कर्म बांधने का, दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। समझ में आया ना? तो ये एक कंपल्शन हो गया है, क्या ट्रेडिशन हो गई है, रिचुअल एक क्रिया हो गई है, कर्मकांड कहते हैं ना, उसके जैसा हो गया है। मूल जो ओरिजिनल जो कॉज है अंतराय कर्म बनने का, वहाँ तो किसी की दृष्टि नहीं जाती है। जो सच रियल में आप तोड़ सकते हैं अंतराय कर्म को, वो तो पता ही नहीं है। तो ये स्थूल क्रिया करके अंतराय तोड़ते हैं ऐसा मानते हैं। ठीक है, ये अच्छी धार्मिक क्रिया की, उसका थोड़ी शांति या एकाग्रता उसमें रही तो उसका थोड़ा पुण्य बंधा जाएगा, रुपए में 2-4 पैसे। लेकिन असल तो ज्ञानी की भाषा में, तीर्थंकरों की भाषा में अंतराय कर्म जो है वो अलग चीज़ है। ये संसारी किसी लाभ के लिए नहीं तोड़ने के रहते हैं, अध्यात्म के लिए आई है। ज्ञानांतराय, दर्शनांतराय, लाभांतराय, तो ज्ञानी भोग उपभोग। ज्ञानी की भाषा में अंतराय का एक ही रास्ता है, प्रतिक्रमण क्या है और कुछ है? प्रतिक्रमण और स्ट्रांग निश्चय, पहचानो किसकी वजह से हमको यह अंतराय आ रहा है, इसका कारण क्या है, फिर उस कारण को निकाले तो वो टूटता है। इन्हें अध्यात्म के लिए कहा है, जैन धर्म में जो बताया है अंतराय, 5 प्रकार के अंतराय सब, वो अध्यात्म के लिए है, नहीं कि संसार में मेरा बेटे का धंधा अच्छा चलेगा, बेटे के घर बेटे आप हो, इसके लिए अपन ये अंतराय कर्म की पूजा कराए, या नया धंधा शुरू करे तो अंतराय कर्म, ये सब ये आत्मा के लिए जो चीज़ है उसको आपने संसार के क्षुल्लक फायदे में ला दी, इतना डाउन कर दिया है। ऐसा नहीं, आत्मा के लिए सब कुछ है। तीर्थंकरों ने आत्मा के लिए हर चीज़ को करने को कहा है। संसार तो कहते हैं निकाली है, जो भी कर्म है उसको पूरा करना है। ये शरीर ही जल जाने वाला है तो और कौन सी चीज़ रहने वाली है? यह दृष्टि खोल के देखने की बात है, इतनी ऊंची बात है, इसको एकदम डाउन कर ले गए हैं। मैं सेकंड ईयर में फेल हुआ हूँ, इलेक्ट्रिकल, बी इलेक्ट्रिकल हूँ।
इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ। नेगेटिव बहुत हो जाता है, एग्ज़ाम के टाइम ही हो जाता है ऐसा कि नहीं अब पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा हो जाता है। ज्ञान लिया है, शिविर में भी आता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में ही ऐसा हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम फियर है, एंग्जाइटी हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम में, नर्वसनेस हो जाते है, इसी वजह से डिप्रेशन में भी आ जाता हूँ। अपन ही अपने हाथों से अपने पैर पे कुहाड़ी मारते हो और क्या, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने ही हाथ से अपने पैरों पे कुहाड़ी मारते हो नेगेटिव सोच के। फेल होना है तो होने दो, लेकिन नेगेटिव लाके क्यों, घबराने की क्या जरूरत है? ये एग्ज़ाम या शेर के मुंह में जाने की थोड़ी बात है। अपने लोग एग्ज़ाम यानी बच्चे लोग क्या समझते कि शेर के मुंह में जाने की बात है, मर जाने वाले जैसे कि नतीजा आके क्या आएगा, या तो पास हो गए या तो फेल हो गए, लेकिन ये डिप्रेशन में जाके सारी ज़िंदगी बिगाड़ने का क्या मतलब? ऐसी की तैसी एग्ज़ाम की, सोमवार से एग्ज़ाम है 19 तारीख से, तो एग्ज़ाम दो। मैं फेल होने के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ऐसा करके हिम्मत से दो, देखो। और शांत जिससे जितना जितनी पढ़ाई हो सके करो, याद रहा उतना लिखो, फेल हो जाए तो पेड़े बांटो, ये डिप्रेशन में से निकलो। अच्छी करियर है, एक बार फेल हुए तो क्या हुआ? क्या इंसान गिरता नहीं है कभी? गिरने के बाद क्या सोते ही रहता है, गिरा पड़ा रहता है, क्या खड़े होके चलने लगता है? क्या लगता है आपको? खड़े होके चलने लग, तो फिर ये आप अपने लिए ही करो ऐसा। गिरी तो क्या हुआ, खड़े हो और चलने लगो, दौड़ो। अच्छे करियर है, इतना अच्छा आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है, तो उसका फ़ायदा लो। फेल हो गए तो कुछ नहीं, नेक्स्ट ईयर 6 महीने के बाद, 6 महीने आप आशीर्वाद दो हमें। हाँ, हमारा आशीर्वाद है, लेकिन आप नेगेटिविटी में से निकलोगे तो ही हमारे आशीर्वाद काम करेंगे, नहीं तो हमारे आशीर्वाद के लिए ही आप तो नेगेटिविटी खड़े कर देंगे, या आशीर्वाद सच्चे होंगे या झूठे होंगे। निकलूंगा नेगेटिव में। हाँ, निकालो बड़ी हिम्मत से, जो होगा सो, पास तो पास, फेल तो फेल, एक बार एग्जाम दो हिम्मत से। जय श्री निरुमा। अभी बात हुई उस पर से एक और क्वेश्चन खड़ा हुआ कि जो बिजनेस का डिसीजन लेते हैं हम लोग, मतलब डिजायर्ड रिजल्ट आता है कि नहीं भी आता है, तो उसमें प्रतिक्रमण की क्रिया बताई आपने, तो प्रतिक्रमण करने से क्या वो अंतराय टूट जाएंगे? मगर प्रतिक्रमण तो खाली आत्मा के लिए यूज़ करना है, तो रिलेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? बिजनेस के लिए डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो मेरा अंतराय है, तो मैं उसका अगेंस्ट प्रतिक्रमण करूँ तो वो अंतराय टूट सकते हैं, वो यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रतिक्रमण यानी किसी के लिए हमने नेगेटिव सोचा कि इसकी वजह से हमारा ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उसका उस व्यक्ति का प्रतिक्रमण करना और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको निकालने की। अच्छा, तो ये वो समझो कि वो बिजनेस है पर्टिकुलर, उसके उसके लिए कुछ अंतराय किए होंगे, इसके लिए रिजल्ट नहीं आ रहा है, वैसा नहीं होता? या समझो कि अभी एक्स वाई जेड बिजनेस में है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मैंने पहले बोला होगा, उसके लिए नेगेटिव क्या हो गया, ये बिज़नेस क्या करने ऐसा नहीं है, और अभी मैं वो बिज़नेस में करना पड़ रहा है मुझे, तो मुझे यश नहीं मिल रहा है बिकॉज मैंने तभी नेगेटिव बीज डाले थे, तो उसके अगेंस्ट प्रतिक्रमण करने से वो क्लियर होगा, वो करना चाहिए कि नहीं? उसके लिए हमने किसी के लिए किसी को निमित्त बनाया तो उसके करना, और अपने लिए प्रत्याख्यान करना, निश्चय करना कि अभी ये गलत हो गया, अभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, तो किसी इंसान के प्रति प्रतिक्रमण करने हैं, वो चीज़ के प्रति नहीं कि मैंने ये चीज़ के लिए निश्चय ही करना, निश्चय बस, प्रतिक्रमण से ये नहीं है।
और ऐसा कुछ है कि कोई नॉलेजेबल पर्सन है कि जिसको ये बिज़नेस का नॉलेज है ऑलरेडी, तो उसके शुद्धात्मा से या ऐसा कुछ प्रार्थना करके हम लोग को भी वैसा नॉलेज मिले, ऐसा कुछ प्रार्थना होती है कुछ? कौन सा नॉलेज? जो ज्ञान उनको है ये बिज़नेस का, ऐसा ऐसा क्या मांगने का? कि जैसे वो आफ्टरऑल एक विजन खुला है, तो अपने को लगता है अपनी संकुचितता है, बिल गेट्स के सामने उसकी क्या हैसियत? नहीं वो तो है, लेकिन अभी हमको वो बिजनेस में मास्टरी करनी है। नहीं ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है, अपना मूड निश्चय पकड़ के रखना और ये काम करे जाओ। ऐसा थोड़ी मांगते हैं हम, थोड़ी भिखारी है, भीख मंगे थोड़ी है हम, ऐसी संसारी चीज थोड़ी मांगना। मूड नीचे पकड़ रखेंगे ये सब बाय प्रोडक्ट्स ही होगा ना? आएगा क्यों नहीं, जिस काम में पड़ो तो काम का नॉलेज आता ही है। ज्ञानी के पास ज्ञान मांगो, आत्मा ऐसा मांगने से क्या फायदा? निर्मा यहाँ पे संपूर्ण निरंतराय पद कब प्राप्त होता है? जब केवल ज्ञान होता है, सर्व आत्मवीर्य संपूर्ण प्रकट हो जाता है। और अगर हमारी पुरुषार्थ और पराक्रम करने की पूरी तैयारी है तो आगे फिर क्या करना चाहिए? वही पराक्रम करो, कर्मों को खत्म करते जाओ, जितने जातने कर्म आते हैं उनको खत्म करो, राग और द्वेष से रहित वितराग दशा में रहकर से ही गंध टूटता है सारा कर्म। निरुमा प्रणाम, क्या इच्छा करने से अंतराय बंधे जाते हैं? हाँ, जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और नहीं है उसके लिए आप इच्छा करते हैं। लेकिन इच्छा करना हमारे हाथ में तो नहीं है ना? क्यों नहीं, आपको पता चलता है कि ईर्ष्या हो रही है तो उसको किसी भी तरह से ज्ञान से सच्ची समझदारी से उसको उड़ा सकते हो। जिसको जो मिला है उसके कर्म के हिसाब से मिला है, मुझे जो मिला है मेरे कर्म से के हिसाब से मिला है, इसमें ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? इतनी समझदारी कोई पकड़ के रखो तो बहुत हो गया। ईर्ष्या करना है तो भगवान की करो ना, वो भगवान हो गए और मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ पत्नी का पति होकर? सारे ब्रह्मांड का पति क्यों नहीं हो पाया, वहाँ क्यों नहीं करते हैं? निरुमा ये जो लोभ की बात है उसमें धंधा बिजनेस में तो वो एक्सपेंशन होता ही रहता है, तो वहाँ पे कैसे अटकने का वो तो पता रहता ही नहीं है, तो मतलब संसार बढ़ता ही जाता है। लोग तो ऐसी चीज़ है कि वो संसार कभी बंद नहीं होने देता है, पहले आता है और आखिर में जाता है, तो ये लोग तो जरूर संसार बढ़ाएगा ही। वो बिजनेस में समझो कि अपने आप एक जगह लिया तो छोटा पड़ा, फिर दूसरा लिया तो दूसरा छोटा पड़ा, तो ऐसे मतलब रुकने का वो पता ही नहीं रहता है। सहजा सहज सामने से आकर संजोग ही ये बिजनेस करवाए या बढ़ाए उतना करते जाओ, अपनी ओर से उसकी इच्छा मत होने दो कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है ऐसा पैसा कमाना वैसा कमाना, ये नहीं होना चाहिए, उसके विचार भी नहीं आना चाहिए। सहज संजोग करवाते हैं तो करते जाओ। बिजनेस में क्या है कि अपना जो समझो कि लाइन होता है तो उसमें कोई आके बोले ये डेवलप करो दूसरा, तो वो एक संजोग है। अच्छा, वो तो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ संजोग आए तो देखो, इंटरेस्ट यानी उसमें ओतप्रोत मत हो जाओ, उसमें बहुत डीप मत चले जाओ, देखो संजोग क्या कहते हैं, एविडेंस क्या बताते हैं, पॉजिटिव आए उसको पकड़ के चलो, नेगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं, जो है सो चलो। और अगर लोभ को ही आपको तोड़ना है और ये बिजनेस बढ़ाना है
तो ऐसा भाव करके रखो कि जितने मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे सब खर्च करने के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही इनकम मैं अपने पास रखूँगा, बाकी के सारे पैसे सारे रास्ते में खर्च कर डालूँगा, सत्कार्य में डालूँगा, दान धर्म करूँगा, तो आपका बिजनेस भी चले बढ़ेगा या चलेगा और आपका लोभ नहीं बढ़ेगा, लोभ कंट्रोल में रहेगा, लोभ बीआर परमार बापू नगर कहते हैं कि कर्म लेने देने में अंतराय कर्म काम कैसे करता है, कर्ज लेने देने में। निरुमा, किसी से आपने कर्ज लिया 50,000 रुपया मान लो और उसको दे नहीं पाते, काम करते हैं, देने की तमन्ना है फिर भी उसे दे नहीं पाते, तो क्या उसमें दोनों का अंतराय कर्म काम करते हैं या एक एक करते हैं? दोनों का है, उसको मिलता नहीं है, आप दे नहीं पाते हैं, देने की इच्छा है फिर भी, इच्छा है फिर भी, लेकिन आप अपनी इच्छा को पकड़ के रखो, स्ट्रांग पॉजिटिव रहो कि मुझे सारा कर्ज उतारना है, किसी का एक भी पैसा लेके मरना नहीं है, तो आपको कुदरत भी मदद करेगी और मरने से पहले सारा कर्ज आपका अदा हो जाएगा। उसमें अंतराय कर्म आते हैं यही पूछना है? हाँ आते हैं। और आखिर तक रहेंगे या नहीं पाऊंगा? नहीं टूट जाएंगे, स्ट्रांग निश्चय रखो।